बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय जी, ठीक है जी। आज काफी दिनों से जो है ना काफी गर्मी चल रही है। पीछे तो आपने ब्लॉग में देखा, हमने अपने कलमी कबाब थे उससे पहले ऐसी बनाई। जैसे गर्मी है तो गर्मियों में अक्सर कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो गर्मी है तो गर्मी में कड़ी पकौड़ा खाने का जो है बड़ा मजा आता है। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा अपनी रेसिपी के साथ। आपको बताते हैं जी, आप इस रेसिपी के साथ इसी तरह बनाते हैं, तो आप रेसिपी आपको बताते हैं कि जी कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए किन चीजों से ये कैसे बनाया जी। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले जी एक अदद प्याज लिया है, साथ में उसके साथ ही जी लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साथ में बेसन एक कप बेसन लिया है, साथ में जी कड़ी पत्ता, साथ में साबुत लाल मिर्च, ये साथ में हमने लिया है मेथी दाना, और साथ में जी कूटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून जो है ना हमने ली है हल्दी, और साथ में जी एक किलो दही, और साथ में हम जी ऑयल जो है वो यूज करेंगे जी। सबसे पहले हमने एक ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर में हम ना सबसे पहले जो है ना बेसन जो है ना वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बेसन में हमने डाल दिया एक कप। इसमें हम ना एक लीटर जो नहीं वो पानी डालेंगे, दो लीटर की जगह है, हम सबसे पहले हम एक लीटर पानी डाल के ना इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बेसन को ना हमने इस बर्तन में डाल देंगे। अब जी बेसन करने के बाद हम ना अब जो दही है वो डालेंगे जी, एक किलो पूरा दही हमने डाला है। जब आप बाकी जो हम ना पानी ऐड करेंगे इसमें जी, अब इसमें बेसन में ना हम ना जो लस्सी बनाई है इसकी दही की वो इसी में ऐड कर लेंगे। अब इसमें जो हमारा पानी बच गया ना वो हम इसमें ही ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी जो है ना समझे लस्सी वाला लस्सी जो है ना उसका पानी जो है ना वो तैयार हो गया हमारा कड़ी पकौड़े का जी। सबसे पहले हमने कड़ी पकौड़ा बना लेंगे, हमने पतीला ले लिया है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, और इसमें हम एक कप जो है ना वो ऑयल वो ऐड करेंगे जी। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम मेथी दाने को ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा भूनना ही है, मेथी दाने को हमने ज्यादा देर इसको रखना। इसमें हम साबुत जो मसाला वो ऐड करेंगे, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च वो ऐड करेंगे। अब हम जो एक अदर प्याज काटा था वो अब चॉप जो किया था वो डालेंगे। जी अब इसमें हम ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसको थोड़ा सा ना लाइट पर मुझे हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आगे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनमें हम डालेंगे जी। अब इसमें हम ना लाल पीसी हुई मिर्च और हल्दी जो वो ऐड करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा मसाला देखें अच्छी तरीके से भुन गया। अब इसमें हमने जो बनाया हुआ है दही अपना और बेसन का जो पेस्ट पानी बनाया है वो अब इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसको अच्छे तरीके से उबाल जो वो दिलवाएंगे जी। वो आपने ना इसको हल्की आंच में ना कम से कम 10 से 12 मिनट जो ना इसको हिलाते रहना ये, ताकि ये नीचे नहीं लगे, और जब उबाल आना शुरू हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह आगे जो साथ साथ में ना फिर ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे उबाल आएगा ना फिर आस्ते आस्ते ठीक होना शुरू हो जाएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी आस्ते आस्ते हल्का हल्का ना ठीक होना शुरू हो गया है। ये देखिए उबाल हल्का हल्का उबाल भी आ रहा है। अब ना इसको हम जब तक ये ठीक हो रहा है उबाल आना शुरू हो जाएगा तब तक हम ना पकौड़ा का जो सामान है वो तैयार कर लेते हैं जी। गाढ़ा होने से पहले ना हम एक टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हल्का करेंगे। पकौड़ा का सामान बनाने के लिए सबसे पहले हमने ना एक अदद प्याज लिया है, एक अदद आलू है, साथ में जी धनिया हरी मिर्च, साथ में जी एक चम्मच दादर मिर्च का है, साथ में एक चम्मच नमक है, सूखा धनिया है, साथ में जीरा है, और साथ में जी बेकिंग सोडा है, और साथ में जी हमने ली है एक हल्दी छोटी सी, और ये हम बेसन जो है वो भी ऐड करेंगे 1.5 कप।
अब इसमें ना सबसे पहले हम ना प्याज जो है वो पकड़ेंगे, प्याज जो है वो ऐड करेंगे बेसन में अंदर। उसके अंदर हम आलू और सब्ज मर्च वो ऐड कर देंगे कटी। अब इसमें हम हरा धनिया वो ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम जो मसाले जो हम वो ऐड करेंगे इसमें, अब इसको हमने अच्छे तरीके से जो ना मिक्स कर लेंगे। अगर आप बना रहे हैं तो अगर आपका वो पहले वाला मिक्सचर जो हम रेडी किया है बेसन वाला, अगर वो लस्सी जो तैयार की हमने दही की, अगर वो आपका आप अगर आप ये पहली चीज़ तैयार करें तो आपने नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक जो है ना वो पानी छोड़ देगा। अगर वो जिस तरह हमने तैयार किया पहले आपने वो तैयार करना है, तो अगर इसमें आप नमक डाल भी लें तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बाद में पकौड़ों के लिए। अब इसमें हम ना पानी जो है वो ऐड करेंगे। जी अलहमदिल्ला जी, बेसन में जो हमारा पकौड़ा का वो तैयार हो गया। अब इसको हम ना पकौड़े करते हैं, पकौड़े ना निकाल दें इसके। सबसे हमने पतीला ऊपर चढ़ा लिया, चलो इसमें हम ना आयल जो है वो ऐड करेंगे। जी आयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम ना पकौड़े वो डालेंगे। देखिए बबल का छत कितना हो गया। इसको हम ना छोटे छोटे आप अपने साइज के हिसाब से पकौड़े ना डाले, आपने कौन से साइज है, वैसे छोटे पकौड़े डाले उसका ज़्यादा मज़ा आता है, डाले बड़े पकौड़ों का ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अब छोटे साइज पकौड़े निकालें उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। जी अलहमदिल्ला जी, देखिए जी पकौड़ों का जो कलर आना शुरू हो गया अलहमदिल्ला। जिस तरह हमारे पकौड़े बन रहे हैं वो इस तरह अलहमदिल्ला जी, देखें जी हमारे जो कड़ी जो वो रेडी हो गई, तो बाद जो अच्छे तरीके से आना शुरू हो गया अलहमदिल्ला। अलहमदिल्ला जी देखें जी पकौड़े का कलर कितना खूबसूरत आ गया। इसको ना हम ना निकाल लेंगे अलहमदिल्ला। अलहमदिल्ला जी अब इसको निकाल लेंगे। जी अलहमदिल्ला जी अब दूसरा पराठा नहीं वो आप डालेंगे बीच में। जी अलहमदिल्ला जी दूसरा पराठा भी रेडी हो गया, अब इसको भी हम निकाल लेंगे अलहमदिल्ला जी। अलहमदिल्ला जी ये हो गया जी, अब इसको भी हम ना निकाल लेंगे अलहमदिल्ला। देखिए जी पकौड़े जी कितने खूबसूरत पकौड़े जो निकले हैं अलहमदिल्ला जी। अलहमदिल्ला जी जिस तरह हमने वो सारे पकौड़े ना निकाले ना भी, ये सारे जो है ना पकौड़े हम ये उसी तरह ना साथ निकाल के ना रख लेंगे। और दूसरी साइड पे देखिए जी अलहमदिल्ला जी हमारी कड़ी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छी तरीके से थिक हो गई है। अब इसको 10 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसको ना फ्लेम ऑफ करके ना इसको नीचे उतार देंगे। जी अलहमदिल्ला जी हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है अलहमदिल्ला, देखिए अच्छी तरीके से थिक हो गई हुई है अलहमदिल्ला। अब इसमें हम जो पकौड़े निकाले हुए हैं वो दिखाते हैं आपको अलहमदिल्ला। ये देखिए जी पकौड़े गर्म 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 पकौड़े हैं, वो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको हम ना कड़ी में जो है ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये जी कड़ी पकौड़े में ऐड हो गया, पकौड़े कड़ी में ऐड हो गए। अब इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स करेंगे। ये आप तो थोड़ा मिक्स करेंगे ना, आपके अगर पकौड़े थोड़े सख्त भी हैं ना या सख्त हैं तो वो नरम हो जाएंगे अलहमदिल्ला। देखिए जी धुआं निकल रहा है अलहमदिल्ला, गरम गरम करी पकौड़ा जो है ना अलहमदिल्ला जी रेडी हो गया। अब इसके ऊपर ना हम ना हरा धनिया नहीं वो ऐड ऊपर डालेंगे। लेकिन हरा धनिया से पहले हमें इसको ना हम ना तड़का लगा लेंगे, उसके बाद फिर ना हरा धनिया वो डालेंगे। तड़का लगाने के लिए हमने ऑयल ही ऑयल में हम ना डालने लगे जी साबित मिर्च, लाल करी पत्ता और साथ में जीरा, ये हमें इसमें ना ऐड करेंगे। अलहमदिल्ला जी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी अलहमदिल्ला जी तड़का हमारा रेडी है, अब इसमें ना हम ना करी पत्ता में ऐड करेंगे। अलहमदिल्ला ठीक है जी, कितनी खूबसूरत जो कड़ी पता कड़ी पकौड़ा जो है नज़र आ रहा है अलहमदिल्ला। जीरा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है अलहमदिल्ला। अलहमदिल्ला जी कड़ी पकौड़ा जो है अलहमदिल्ला जी पूरे तरीके से हमारा रेडी हो गया, ऊपर से ना जो हरा धनिया है वो गार्निश करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह इसके नाम ना हरा धनिया नहीं वो ऊपर गार्निश करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हरा धनिया से कोई भी आप चीज बनाएंगे ना हरे धनिया से आपकी जो चीज है ना वो खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी करीब पूरा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पूरे तरीके से रेडी है। अब इसको हम ना सर्व करेंगे और आपको जी चेक के ना बताएंगे हमारा जो करीब पूरा वो कितना का रेडी अल्हम्दुलिल्लाह बना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी करीब पकौड़ा जो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए कितना खूबसूरत करीब पकौड़ा जो रेडी हो गया। अब इसको हम ना केस करके ना आपको बताते हैं जी। बिस्मिल्लाह हमारे देखिए जी पकौड़े देखे जी छोटे छोटे पकौड़े बड़े पकौड़े जो है इसमें मज़ा नहीं आता छोटे पकौड़ों का जो है ना मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखे जी ये देखे जी ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम ना टेस्ट करके ना आपको बताते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखिए करीब पकौड़ा बहुत ही मजेदार है तो इतना मजेदार करीब पकौड़ा जो है ना आप जरूर ये करोगे ये हर घर में बनता है। आप जो है ना ये हमारी रेसिपी तरह बना के देखें बहुत ही मजेदार है। नमक मिर्च हर चीज जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से डली हुई है बहुत अच्छे करीब पकौड़ा जो है हमारा तैयार हुआ है। आप ये रेसिपी जो है घर में जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अगर आपने घर में बनाई तो आपको कैसी लगी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। इसी दो में भी आप भी छिड़कें दूसरों में भी छिड़कें अगर मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको जरूर पहुंच सके। तो मान लीजिए ज़्यादा अपना बहुत सारे रखिएगा दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।